और आपको सीधे हम कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां पर जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। माफ कीजिए, हैदराबाद हम आपको लिए चल रहे हैं, वहां पर केसीआर से मुलाकात कर रहे हैं अखिलेश यादव, और ये जो है सुगबुगाहट मोदी विरोध की यहां पर नजर आ रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं और केसीआर साथ में। भारत के किसान को, भारत के जनता को, सारी चीजों को जोड़ने का एक नया क्रांति के तरफ, एक नया दिशा के तरफ कदम उठाने का एक बहुत ही बड़ा प्रयास है। ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नहीं है। जो परिवर्तन हम चाहते हैं, देश का जितना आर्थिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री नीड्स टू बी लिवरेज्ड इन ए वेरी ग्रेट मैनर। द नाइबर कंट्री चाइना हैज ग्रेटली डन इट टू बिफोर द वर्ल्ड, दे वर लेस इन ऑल द एस्पेक्ट देन इंडिया 2.5-3 decades back. Now they are the second largest economy of the world. So when they can do it, why not our country, why not India? When the East Asian tigers can do it, when Malaysia can do it, when Sri Lanka, when Singapore can do it without having anything, when Koreas are doing, so why not India? We have all the capacity, we have 60% of the youth in the country. So we have to grow in a different manner. जो आज तक हो रहा था वो अच्छा नहीं हो रहा था, इसीलिए जो नया होना है, जो नया हमको पाना है, उसके लिए हमारा कोशिश जारी है। मैं भरपूर धन्यवाद देता हूँ अखिलेश जी को, जो भी मेरा विचार है उन्होंने पूरा पूरा उसका समर्थन किया है। इससे डी विल स्टैंड बाई दिस आइडियालॉजी। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। नाउ आई रिक्वेस्ट यू अखिलेश जी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर राव जी का मैं धन्यवाद देता हूं। लगातार कई बार बातचीत हुई है, फोन के माध्यम से भी, और ये प्रयास रहा कि एक बार साथ बैठ जाएं। मुझे अच्छा लगा कि दिल्ली की वजह हैदराबाद और आपके बीच में बैठने का मौका मिला, क्योंकि पूर्व में आपने बहुत सारी बातें विस्तार में रखी हैं, कहा भी है कि कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। मुझे खुशी है इस बात की कि आपके नेतृत्व में तेलंगाना प्रदेश जहां आगे बढ़ रहा है, नई योजनाओं से किसान, गरीब, उसके बीच में पहुंचने का काम कर रही है योजनाएं, और वह कहीं ना कहीं अपने काम से जनता का भरोसा जीता है। एक मुख्यमंत्री के लिए और एक लीडर के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि जनता का उस पर भरोसा हो, और मैं ये कह सकता हूं कि यहां के मुख्यमंत्री ने अपने काम से जनता के बीच में एक भरोसा पैदा किया है। और चाहे वो पानी घरों तक पहुंचाने की बात हो, आज पानी का सबसे बड़ा सवाल है, न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया में यह सवाल बड़ा है कि पानी पीने का हो और पानी खेत तक पहुंचे, और शायद मुख्यमंत्री जी ने यह काम यहां किया है और उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। किसान खुशहाल जब तक नहीं होगा तब तक हमारा देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आबादी की बड़ी संख्या में लोग खेती पर जुड़े हैं, जो खुशहाली अगर वहां आएगी, वही खुशहाली कारण बनती है हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए। देश चाहता है कि नया परिवर्तन दिखाई दे, और मुझे खुशी है इस बात की कि आपके लगातार काम करने से देश में कहीं ना कहीं ये आस जागी है कि ये परिवर्तन दिखाई देगा, जो एक अच्छा परिवर्तन होगा आने वाले समय में। क्योंकि पूर्व की जो सरकारें रहीं, पूर्व की जो केंद्र सरकारें रहीं, उन्होंने बहुत जनता को निराश किया है। गरीब, किसान और आर्थिक पहलू पे भी बड़े पैमाने पे निराशा आई है।
दूसरे मुल्कों से तुलना करें अपने देश की, तो शायद हम उतना नहीं खड़े दिखाई देते जितना हमें दिखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी है, अगर हम टैलेंट ढूंढें तो बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में टैलेंट दिखाई देता है। हमारे यहाँ के लोग दूसरे मुल्कों में जाके बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा वातावरण पैदा कर रहे हैं। अगर वही वातावरण हमारे बीच में हमको मिल जाए तो शायद हम भी उन देशों के मुकाबले पे खड़े हो जाएं। मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम जो प्रदेश की रीजनल पार्टीज हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा और मैं आज फिर कहता हूं आपके सामने, अगर देश की बीजेपी सरकार को कोई रोक सकता है तो वो रीजनल पार्टी हैं, रीजनल नेता हैं, जो इस आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। क्योंकि बीजेपी ने जितना निराश किया उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और वादों की बड़ी लिस्ट है। अगर वादों की हम सूची देखें, लिस्ट देखें, तो बड़ी लिस्ट है। हो सकता है यहां के प्रदेश के बारे में भी कुछ उन्होंने वादे किए हों, बगल के प्रदेश के बारे में भी वादे किए हों। यूपी से हम आते हैं, हमारे तो ज्यादा वादे किए थे, बिहार में भी वादे किए थे। तो जो वादे किए थे वो जनता पे खरे नहीं उतरे, आज कुछ जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। और अब तो समय नहीं बचा उनके पास, अब वो पूरे होंगे कैसे? इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि आज तेलंगाना मुख्यमंत्री जी के साथ, आदरणीय चंद्रशेखर राव जी के साथ बहुत विस्तार में कई विषयों पे बातचीत हुई है। बातचीत और भी होगी, मिलना और भी होगा जैसे जैसे चुनाव आएंगे। और हमने कहा कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये प्रोग्रेसिव लोगों की एक साथ जुटने की शुरुआत है। और तमाम लोग जो मिल रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में एग्जेम्पलरी वर्क किया है, जो उदाहरण बन सकता है दूसरे प्रदेशों के लिए, देश के लिए। ये एक अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी इनके काम की समर्थन करती है और इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे देश को एक नया रास्ता मिलेगा, देश को ही नहीं बल्कि किसान और गरीबों को और नौजवानों को खासकर एक नया रास्ता खुलता नजर आएगा। मैं धन्यवाद एक बार फिर देता हूं, हालांकि आना बहुत कम हो पाता है हैदराबाद, लेकिन हैदराबाद से समाजवादियों का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना रिश्ता है, लोहिया जी के जमाने से लेकर के अभी तक का रिश्ता है। और फिर रिश्ता तो बनाने से बनता है, जब बनाया जाएगा रिश्ता तो रिश्ता बनेगा। और जितना सम्मान एक दूसरे का होगा मैं समझता हूं उतना ही ज्यादा बड़ा रिश्ता बनेगा, मजबूत रिश्ता बनेगा। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जो आपका काम है उसको और आगे बढ़ाएं, तो हमारा पूरा सहयोग मिलता रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भी धन्यवाद देता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और उनके तमाम सहयोगी साथी जिनसे मुझे मिलने का मौका मिला, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जहां तक शुरुआत हुई है परिवर्तन की, वो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की दो लोकसभाओं में जिस तरीके से हार हुई बीजेपी की, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री, और मैं समझता हूं आपसे बेहतर, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि अगर एक मुख्यमंत्री हार जाए और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री हार जाए तो कैसा चुनाव रहा होगा। शुरुआत तो की है जनता ने, उसमें भी सहयोग हमें बहुजन समाज पार्टी का मिला था, सहयोग हमें और दलों का भी मिला था, जो प्रत्याशी थे वो निषाद पार्टी के थे। तो कहीं ना कहीं देश में है वो बात, लोगों में है वो बात कि नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, और शायद वो नया अल्टरनेट जो बनने जा रहा है उसके समर्थन में मैं हूं। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। तो आज हैदराबाद में है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और वहां पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से वो मुलाकात कर रहे थे। थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट के तौर पर इसे देखा जा रहा है।